हे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट बुक कांट हर्ट मी, इस बुक की समरी देने वाला हूँ, जिसके ऑथर है डेविड गॉगिंस। डेविड वो इंसान है जिन्हें वर्ल्ड का टफेस्ट मैन अलाइव का टाइटल मिल चुका है, और ऐसा क्यों एग्जैक्टली है आगे आपको पता चल जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बुक पढ़ने के बाद मैं खुद डेविड भाई का एकदम बड़ा फैन हो गया हूँ। क्यों उन्हें वर्ल्ड टफेस्ट मैन अलाइव बोला जाता है, क्यों मैं उनका फैन हो गया, ये सारी बातें अभी एक एक करके हम करेंगे। बट उससे पहले ना, इस बुक के इंट्रोडक्शन में एक बहुत प्यारा सा कोट है जो लिखा था हेरेक्लिटस नाम के पर्शियन फिलोसोफर ने 5th सेंचुरी में अबाउट मैन इन वॉर्स। वो बोलते हैं कि आउट ऑफ एवरी 100 मैन 10 शुडंट इवन बी देयर, मतलब उनको वहां होना ही नहीं चाहिए। 80 जो लोग होते हैं वो लोग सिर्फ टारगेट होते हैं, जो सिर्फ मरने के लिए उस जंग में जाते हैं। 9 रियल फाइटर्स होते हैं उनमें से, जिनका होना लकी होता है लोगों के लिए, बिकॉज इनके बलबूते ही बैटल लड़ी जाती है। और उनमें से बस एक होता है वॉरियर, जिसकी वजह से डिसाइड होता है कि वो जंग जीती जाएगी या हारी जाएगी। वो इंसान होता है जो लोगों को बचा के कई बार वापस लेके आता है, एक अनकॉमन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर, जिसके बेसिस पे पूरा रिजल्ट डिसाइड होता है। देखो, डेविड बोलते हैं ना, जब हम लोग अपनी पहली सांस लेते हैं तो हम लोग मरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन वैसे ही हम एक वॉरियर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बट सैडली मैक्सिमम लोग वॉरियर बन नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने चुना कि वो एक वॉरियर बनेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो वॉरियर बनो जो आप बन सकते हो। ना देखो दोस्तों, डेविड गॉगिंस एक्चुअल में एक वॉरियर है। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे कारनामे किए ना, ऐसी ऐसी चीजें अचीव की है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ उनकी जिंदगी का। एक बार जब उनकी मेजर सर्जरी हुई थी, उसके बाद मैक्सिमम लोग जिम जाने का भी नहीं सोचते हैं, लेकिन तब डेविड गॉगिंस ने सोचा कि चलो मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड मैक्सिमम पुलअप्स करने का। ना वो टाइम पे 2013 के आसपास वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था ना, वो 4000 के आसपास का था, जो डेविड गॉगिंस ने डिसाइड कर लिया कि मुझे तोड़ना है। सर्जरी के कुछ टाइम बाद ही अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब वो पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने गए तो 1500 तक तो पुलअप्स हो जा रहे थे, लेकिन जैसे ही 2000 हुआ उनकी हालत खराब होना स्टार्ट हो गई। दरअसल जो पुलअप करने का रॉड था ना, वो उनके प्रैक्टिस करने वाले रॉड से काफ़ी हटके था, लूज भी था और मोटा भी था, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पा रही थी, और इसीलिए वो बहुत जल्दी थक गए। और 2500 पुलअप्स करने के बाद उनके हाथ में ज़रा भी जान नहीं बची, उनका हाथ बेजान हो गया था। पुलअप मारना तो दूर की बात है, वो हाथ उठा भी नहीं पा रहे थे। बेसिकली वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए, लेकिन जैसे ही वो फेल हुए तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं वापस अटेम्प्ट करूंगा कुछ महीनों बाद। एंड गेस व्हाट, उन्होंने कुछ महीने बाद वापस अटेम्प्ट किया। इस बार उन्होंने सीखा कि पिछली बार क्या क्या गलतियां हुई, उससे इंप्रूव होके उन्होंने वापस चैलेंज लिया। नाउ ये टाइम पे सेकंड टाइम तो बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें हुई, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग का पहला 1000 तो चले गया, लेकिन उसके बाद ही उनको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई। उनके हाथ में ब्लिस्टर्स आना स्टार्ट हो गए जो फूटने लग गए, जिसकी वजह से उनके हाथ से खून निकलना स्टार्ट हो गया। बट फिर भी खून निकलने के बाद भी, हद से ज़्यादा पेन होने के बाद भी वो नहीं रुके। इनफैक्ट एक टाइम पे उनके हाथ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनकी मॉम और बाकी जो लोग थे वो लोग बहुत कंसर्न हो गए कि वो अगर ऐसे ही करते रहे डेविड तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फिर डॉक्टर आए। डॉक्टर ने जब उनका हाथ देखा, उनके हाथ पे जो ग्लव्स थे वो सारी पट्टियाँ खोली, तो जब वो पट्टियाँ खोल रहे थे तो उसके साथ साथ उनकी हाथ की जो स्किन थी वो भी निकल जा रही थी, इतना ज़्यादा उनके हाथ की हालत ख़राब थी। और तभी उनके डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिए और कहा कि आपको ना रैबडोमायोलिसिस हो गया है। अब सिंपल वर्ड में उसका मतलब ये है कि अगर आप किसी अपने बॉडी पार्ट को हद से ज़्यादा ट्रेन करने लग जाते हो, प्रेशर में डालने लग जाते हो, वर्क करने लग जाते हो, तो जो मसल होता है ना, उसके अंदर के कुछ फाइबर्स, कुछ प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, जो ब्लड के थ्रू जाता है फिर किडनी पे, जिसे मायोग्लोबिन भी बोलते हैं। नौ ये जो चीज़ होती है ना, वो किडनी प्रोसेस करती है, और कई बार इसे किडनी अगर अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएगी तो इससे आदमी मर भी सकता है। नौ ये चीज़ सुनने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो वो बोलता कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, ठीक है क्विट कर दूँगा। लेकिन डेविड गॉगिंस फिर भी नहीं माने। वो ऐसे ही खून वाले हाथ के साथ इंजेक्शन लेने के बाद मर सकते थे, बट स्टिल उन्होंने पुलअप्स किया, बहुत कोशिश की, लेकिन 2800 पुलअप्स के बाद उनका पूरा दम खत्म हो गया। बहुत चाहने के बाद भी उनसे नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी गेस व्हाट, अगेन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने वापस से ट्राई किया, और इस बार थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि उनके हाथ इतने मजबूत हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने इतना पेन दे दिया था अपने हाथ को, तो हाथ पे भी मोटी मोटी परतें बन गई थी जो उन्हें और अच्छे से चीज़ें करने में हेल्प कर रही थी, और थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को अचीव किया। और ये तो सिर्फ मैं उनकी स्टोरी का एक हिस्सा बता रहा हूँ, ऐसी ना जाने कितनी सारी चीज़ें डेविड गॉगिंस ने करी है। उन्होंने 70 के ऊपर अल्ट्रा एंड्योरेंस रेसेस भागी है, जिनमें से बैड वाटर्स भी आता है। बैड वाटर्स आपको नहीं पता तो बता दूं, दुनिया की सबसे टफेस्ट रेसों में से एक होता है, जिसमें डेथ वैली में लोग जाते हैं, जहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग उससे मर भी सकते हैं। ऐसी जगह पर उन्हें एक बार जब रेस भागना था ना, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने एक और रेस भागी थी 100 माइल्स की। ना वो वाली रेस में जब वो भागने गए थे, तो प्रॉब्लम ये थी ना कि वो प्रिपेयर्ड थे ही नहीं अच्छे से, वो कभी मैराथन उन्होंने भागा ही नहीं था, उनको आइडिया भी नहीं था,
बट जस्ट बिकॉज उन्हें भागना था, फंड रेस करना था अपने फेलो सोल्जर्स के लिए जो मारे गए थे, उन्होंने जल्दी जल्दी में 4 दिन के अंदर इस रेस के लिए हाँ बोल दी। और ऑब्वियसली वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। एक दिन पहले ही उन्होंने लेग्स का हैवी वर्कआउट भी किया था और दूसरे दिन ये बंदा पहुंच गया था मैराथन भागने 100 miles 24 घंटे के अंदर। एंड गेस व्हाट, उस टाइम पे भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बिकॉज उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं था, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और तब वो जो भाग रहे थे वो बोलते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट रेस थी जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई। उनके पैर में फ्रैक्चर्स होना स्टार्ट हो गए, बट फ्रैक्चर्स होने के बाद भी, पैर से खून खून निकलने के बाद भी, उन्होंने क्या किया कि टेप से अपने पैर को बांध लिया ताकि उनका पैर नम हो जाए और एक जगह पे टिके रहे और उनका दर्द उन्हें मालूम ना पड़े। 50 miles 60 miles में उनका पूरी तरीके से एनर्जी खत्म हो गई थी, बट स्टिल वो बंदा भागता रहा, फ्रैक्चर्ड लेग्स के साथ भागता रहा। उनके टॉयलेट में खून निकल रहा था, ही वॉज लिटरली शिटिंग ब्रिक्स, पस, खून, पसीना, ये सारी चीज़ें होने लग गई थी उन्हें 60-70 miles में। ना कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो ये टाइम तो क्विट कर ही देता कि यार पैर फ्रैक्चर हो गया, तबीयत पूरी खराब हो गई है, बट स्टिल ये बंदा रुका नहीं, ये बंदा भागता गया दर्द में, फ्रैक्चर्ड लेग्स के साथ। एंड गेस व्हाट, उन्होंने वो रेस को कंप्लीट भी करी। और ये तो एक ही रेस है, ऐसी उन्होंने कई सारी रेस भागी है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और उनमें से कई सारी रेसों में वो टॉप 5 में आए हैं और फर्स्ट भी कई सारी रेसों में आए हैं। और ये तो रेसेस की बात हुई, ऐसी अगर आप देखोगे तो डेविड गॉगिंस ने नेवी सील ट्रेनिंग करी है, इससे पहले भी उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें की, लाइक जैसे कि उन्होंने US आर्म्ड फोर्स की जो सील ट्रेनिंग होती है ना, जो सबसे ज़्यादा टफ ट्रेनिंग मानी जाती है, उसको उन्होंने 3 बार किया। डेविड गॉगिंस वो पहले इंसान थे, अकेले इंसान, जिन्होंने US आर्म्ड फोर्स की जो कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, सील ट्रेनिंग, जिसमें हेल वीक नाम की एक चीज़ होती है जिसके अंदर लिटरली 1 हफ्ते तक लोगों को हेल से गुजारा जाता है, वो कंप्लीट करी। US आर्मी रेंजर की स्कूल होती है, वो भी बहुत टफ होती है, वो भी उन्होंने कंप्लीट करा। और एयर फोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलिंग ट्रेनिंग, ये तीनों चीज़ें उन्होंने अकेले बंदे ने कंप्लीट किया, जबकि सिर्फ एक चीज़ कर पाना भी मैक्सिमम लोगों की बात नहीं होती है। अभी मैं हेल वीक की अगर आपको थोड़ा और बताऊँ तो एक हेल वीक एक ऐसा टाइम होता है जब लिटरली जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना उनको टॉर्चर किया जाता है ताकि लोग क्विट कर दे। सिर्फ 25% लोग ही होते हैं ना जो हेल वीक को सर्वाइव कर पाते हैं। ना ये जो हेल वीक भी थी ना, उसको भी डेविड गॉगिंस ने 3 बार दिया था। क्यों? बिकॉज जब फर्स्ट टाइम उन्होंने हेल वीक करी थी ना, तब उनको निमोनिया हो गया था, क्योंकि वो जब समुंदर में जाते थे इतना पानी उनके अंदर जाता था, उनके नाक से, मुंह से ठंडा ठंडा पानी, उसकी वजह से उन्हें निमोनिया हो गया था फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम पे उनका पैर में इतनी ज़्यादा चोट आ गई थी इस हेल वीक में कि वो सूज के एकदम गुब्बारे जैसा हो गया था, जिसके वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें निकाल दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये दोनों टाइम बेसिकली डेविड गॉगिंस ने हार नहीं मानी थी, बल्कि उनको निकाल दिया गया था। और फिर थर्ड टाइम जाके उन्होंने उस हेल वीक को कंप्लीट किया। हेल वीक में पूरे 1 हफ्ते का टाइम होता है जिसमें उन्हें सिर्फ फिजिकल टॉर्चर, काम, लॉग्स उठा के डालना, समुद्र में स्विमिंग करना, बोट्स उठा के यहाँ से वहाँ रखना, और ये सब करते करते मेंटल टॉर्चर भी उन्हें दिया जाता थे कि क्विट कर दे, क्विट कर। और इतना करने के बाद भी उन्हें सोने का टाइम ना के बराबर दिया जाता था, मतलब पूरे हफ्ते में जो स्टूडेंट्स होते थे ना उन लोगों को सिर्फ 4 घंटा या उससे भी कम की नींद मिलती थी, इसीलिए उसे हेल वीक बोला जाता है। ये चीज़ को भी उन्होंने 3 बार किया, आप सोचो। और ट्रस्ट भी, मैंने इस बुक में इतनी सारी उनकी स्टोरीज पढ़ी है, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने की है डेविड गॉगिंस ने, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, एक वॉरियर वाली चीज़ है। बट ऐसा नहीं था कि डेविड गॉगिंस बचपन से ही ऐसे वॉरियर थे, नहीं। इनफैक्ट देखो, डेविड गॉगिंस बोलते हैं ना कि अगर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो वो 3 तरीके से अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। पहला स्टडी करके, मतलब पढ़ाई करके, दूसरा हैबिट बना के, किसी चीज़ की हैबिट, और तीसरा होता है किसी की स्टोरी सुन के। इसीलिए वो इस बुक के थ्रू अपनी स्टोरी आपको बता रहे हैं ताकि आप भी उनकी तरह एक वॉरियर बन सको। ये बुक पढ़ के ट्रस्ट मी, मुझे उनको स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला है, और 3 इंपॉर्टेंट लेसन मिले हैं जिसने उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनने में हेल्प किया, और जो पक्का आपको भी एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनने में हेल्प करेगा। तो चलो उनकी स्टोरी के थ्रू एक एक करके उसी लेसन को सीखते हैं। पहले स्टार्ट से करें तो डेविड का जो चाइल्डहुड था ना, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। बोलने के लिए तो डेविड एक बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करते थे, जिनके फादर अमीर थे, जो ऊपर ऊपर से सबको बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन सच बात तो ये थी ना कि जो डेविड के डैड थे वो बहुत ही ज़्यादा ईविल इंसान थे। वो नशा करते थे, प्रोस्टिट्यूशन करते थे, और अपने घर पे सबको एकदम बंदी जैसा बना के रखते थे। छोटी एज से ही वो डेविड को, उनके भाई को और उनकी माँ को बहुत ज़्यादा मारते थे, इतना कि कई बार खून निकलने लग जाता था। डेविड के डैड कभी कभी उन्हें इतना मारते थे जिसके वजह से उनको निशान आ जाते थे, ऐसे निशान जो हफ्तों तक नहीं जाते थे, जिसकी वजह से वो कई बार स्कूल भी नहीं जाते थे अपने निशान छुपाने के लिए, ताकि निशान किसी को दिख ना जाए। ऐसी बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जाता था उन्हें उस घर में, उन्हें और उनकी मॉम को भी, जिसकी वजह से उनकी माँ डेविड को लेकर एक दिन भाग गई। ऐसी बहुत सारी अनगिनत वॉयलेंस, फिजिकल मेंटल टॉर्चर उन्होंने झेला था अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो वो मेंटली बहुत वीक हो गए थे। उनके अंदर ज़रा भी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, वो हकलाते थे, उन्हें आस्थमा था, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम था, वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते थे, उनका ध्यान नहीं लगता था किसी भी चीज़ में,
और कई सारे रीजंस की वजह से आप बोल सकते हो, जब वो 19-20 साल के थे ना तब उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया, और जब वो 22 ईयर की एज तक हुए तब तक उनका वज़न 136 किलो तक हो गया था। बट फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड जब 136 किलो के भारी भड़कम इंसान बन चुके थे तब वो एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करते थे जिसका टाइमिंग होता था 11 से 7 बजे का। वो रात का जॉब करते थे जहाँ वो कीड़े मकोड़े मारते थे, जो जॉब बहुत ही शेडी सा था, बट स्टिल वो उस काम को कर रहे थे बिकॉज उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है। ऐसी उनकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत चल रही थी कम्फर्ट जोन में, टीवी देखना, डोनट्स खाना। और एक दिन ऐसी टीवी देखते देखते उनको एक आवाज़ सुनाई दी जब वो वॉशरूम के अंदर बैठे हुए थे। टीवी में से आवाज़ आई कि नेवी सील्स की जो ट्रेनिंग होती है ना वो वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग होती है। जैसे ही उन्होंने ये बात वॉशरूम से सुनी वो बाहर निकले और फिर जो नेवी सील्स के ऊपर एक शो चल रहा था उसे उन्होंने पूरा देख लिया, जो देखते ही उन्हें बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट आया। तब वो शो देखने के बाद ही डेविड ने डिसाइड कर लिया कि वो एक नेवी सील बनेंगे। अब ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी बिकॉज उस टाइम पे डेविड की उम्र 24 थी और उनका वज़न 136। और उन्होंने जब नेवी रिक्रूटर्स को कॉल करके अपनी सिचुएशन बताई तो कई सारे रिक्रूटर्स तो उन पर हंसने लग गए कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बट फिर उन्हें एक ऐसा इंसान मिला जिसने उन्हें ये चीज़ करने का चांस दिया। उन्होंने डेविड को बोला कि तुम्हारा वेट एटलीस्ट 84 kg होना चाहिए तुम्हारी हाइट के हिसाब से, तभी जाके तुम्हें नेवी सील में आने का मौका मिल सकता है। नौ ये चीज़ को डेविड ने एकदम सीरियसली लिया। वो राइट नाउ अपने टारगेट गोल से 50 किलो से भी ज़्यादा थे, बट फिर उन्होंने अपने आप को चेंज करने का फैसला ले ही लिया था। और फिर उन्होंने 3 महीनों के अंदर ही अपने 50 किलो कम किए ट्रेनिंग कर करके और नेवी सील के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब देखो दोस्तों, डेविड के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज अचानक कैसे आया? टीवी शो तो एक ट्रिगर था, लेकिन उसके साथ साथ डेविड ने एक और चीज़ करना स्टार्ट करी थी जिसे वो बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड बेसिकली क्या करते थे कि जब भी शेविंग करने जाते थे तो वो मिरर के सामने खड़े हो जाते थे और अपने आप को देख के एकदम सच बोलते थे, नो बुलशिट। वो तब अपने आप को देख के ये नहीं सोचते थे कि यार मैं मोटा हूँ क्योंकि मेरे डैड ने मुझे बहुत परेशान किया था, दुनिया बहुत खराब है, लोग मुझे रेसिज्म के ऊपर बुली करते हैं, मेरे ब्लैक होने पर हंसते हैं। उन्होंने ये सारी फालतू चीज़ों के ऊपर फोकस करने के बजाय उन्होंने अपने ऊपर फोकस किया। उनको ये चीज़ पता थी कि मिरर, आईना झूठ नहीं बोलता है, और वो जो देख रहे हैं अपने आप को, एक फैट इंसान को, वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही बना है वो फैट इंसान। तो इसीलिए उन्होंने एकदम सच बात बोलना स्टार्ट करी कि क्यों वो मोटे हैं, कैसे वो पतले हो सकते हैं, नो बुलशिट। और ऐसी मिरर के सामने जाके उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना चालू करी, अपने आप से एकदम सच बोलना स्टार्ट किया, वो सच जो उनके लिए सुनना ज़रूरी था कि अगर वो ऐसी ज़िंदगी बिताते रहेंगे तो वो एक कीड़े मकौड़े की तरह ही ज़िंदगी जिएंगे और मर जाएंगे, जबकि अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो उन्हें अपने आप को बदलना होगा, अपने वज़न को कम करना होगा। और जब यही रूटीन को उन्होंने डेली करना स्टार्ट किया, डेली शेव करने के टाइम जब वो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते थे तो इस चीज़ ने उन्हें मोटिवेटेड रखा अपनी वज़न को कम करने के लिए और अपनी पूरी ज़िंदगी में 180 डिग्री चेंज लाने के लिए। ऐसे डेविड बोलते हैं कि आप भी करो, आप भी एक मिरर के सामने जाओ और 5 मिनट तक अपने आप को और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। क्या आप अपने आप को देख के सॉरी फील करते हो? क्या आप जहाँ पे हो राइट नाउ वहाँ पे खुश हो? और वहाँ पे हो तो क्यों हो? क्या आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो अपनी सिचुएशन के लिए, या आप अपने आप को बदलने के लिए काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो? क्या आप बस विक्टिम मेंटालिटी वाले इंसान बन के रहोगे, या फिर हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने आप को चेंज करना चालू करोगे? अब ये एक्सरसाइज जब आप करोगे, चैलेंज जब आप लोगे, मिरर के सामने खड़े होगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने आप से झूठ मत बोलना, दूसरों को ब्लेम करने मत जाना, अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना और अपने आप से सच बोलना, ताकि आप उस सच को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ सको। ये था पहला लेसन। इसके बाद एक और बहुत पावरफुल लेसन जो मैंने डेविड से सीखा इस बुक में, वो है 40% रूल। अच्छा, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, मैंने अभी आपको बताया ना कि डेविड ने सबसे पहले नेवी सील की ट्रेनिंग की, 3-3 हेल्विक्स से वो गुजरे, 2 बार निकाल दिए गए, बट फिर बंदा फिर भी गया। अपने आप को उन्होंने टॉर्चर किया, इतना अपने आप को पुश किया ताकि वो अपनी मेंटल कैपेसिटी को टेस्ट कर सके। ये सब चीज़ जब वो कर रहे थे तो उन्हें बहुत फिजिकल पेन और प्रॉब्लम्स फेस हुई। स्टिल उन्होंने अलग अलग आर्मी की ट्रेनिंग करी, रेंजर्स में गए, बहुत सी चीज़ें करी, और बेसिकली उनको ना हर चीज़ करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। ये डिफ़िकल्ट चीज़ है जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, वो चीज़ करने में उनको ज़्यादा डिफिकल्टी क्यों होती थी? बिकॉज बात ये थी कि उनके दिल में एक छेद था और उनको पता ही नहीं था। जहाँ पर नॉर्मल लोगों की बॉडी 100% कैपेसिटी पर परफॉर्म कर पाती है, डेविड गॉगिंस के पास फिजिकली डिसएडवांटेज था कि उनकी बॉडी है ना वो 100% कैपेसिटी में काम ही नहीं कर सकती थी। बट स्टिल वो बंदे ने इतना कुछ सफ़र किया, अल्ट्रा मैराथन्स भागे, और इसी वजह से उनका जो 40% रूल है वो मुझे बहुत सही लगता है। डेविड का मानना है ना कि हम सबके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग अपने जब 40% पे ही पहुंचते हैं तभी हम लोग क्विट करने लग जाते हैं। हमें लगता है वो हमारा बेस्ट है, हमारा 100% है, जबकि डेविड बोलते हैं कि वो आपका सिर्फ 40% है। हमें जो हमारा 100% लगता है वो बोलते हैं कि वो हमारी पोटेंशियल का 40% भी नहीं होता है। और इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा मेटाफोर एग्जांपल भी देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, कई बार है ना जो कार के इंजन होते हैं ना उनमें एक गवर्नर लगाया जाता है, एक पार्ट जो गाड़ी की स्पीड को लिमिट में रखता है ताकि गाड़ी है ना गर्म ना हो और ये सारी चीज़ें, फ्यूल ज़्यादा ना जाए। जबकि अगर आप वो गवर्नर को निकाल दोगे ना
तो वो जो गाड़ी है ना, जो शायद पहले सिर्फ 100 की स्पीड में भाग सकती थी, वो 150 में भी भागेगी। हाँ, उससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, बट वही गाड़ी जो पहले 100 में भागती थी, वो 150 में भी भागेगी। वैसे ही डेविड गॉगिंस बोलते हैं ना कि हमारे दिमाग में भी ना कई बार गवर्नर्स लगा होता है, जो नहीं चाहता है कि हम लोग एक्स्ट्रा काम करें, हम अपने स्पीड से ज़्यादा जाए। और यही चीज़ जो होती है ना, वो कई बार हमें 40%, हमारे 20%, कई बार मे बी अपने 10% पे ही हमें रोक के रख देता है, ताकि हमें कंफर्ट मिलता रहे, हम आराम से चीज़ें करते रहे। जबकि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी है, अगर आपको वॉरियर बनना है, तो हमेशा इस 40% रूल को याद रखो। और याद रखो, आपके पास अभी भी 60% पोटेंशियल बाकी है, जिसको आप टैप भी नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे भी डेविड बोलते हैं कि आपको उनकी तरह बहुत एक्सट्रीम भी नहीं जाना है, कि जैसे उन्होंने कभी मैराथन भागा ही नहीं था, बट स्टिल वो मैराथन भागने 100 miles, जो बेसिकली 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है, वो अचानक से भागने चले जाओ, नहीं। उतना भी अपने गेज को मत छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप समझो फॉर एग्जांपल सिर्फ 25 पुशअप्स मार सकते हो एक बार में, तो ट्राई करो 25 के बजाय 35 मारो, फिर रुको और वापस जाके 10 मारो, और फिर रुको और फिर वापस जाके 10 मारो। मतलब अपने आप को पुश करो, अपनी लिमिट्स को, आपका जो गवर्नर है उसे पुश करते रहो, ताकि आप अपने अल्टीमेट पोटेंशियल तक पहुंच सको। और यही चीज डेविड ने अपनी जिंदगी भर किया है। वो चाहते फर्स्ट हेलवीक में ही क्विट कर देते और छोड़ देते, उनको जरूरत नहीं थी, बट स्टिल वो वापस से गए, ताकि वो अपने आपको पुश कर सके। फ्रैक्चर हो जाने के बाद, उल्टियां होने के बाद, लिटरली वो जब मैराथन भाग रहे थे ना, आपको पता है उनकी सुसु निकल जाती थी, उनकी पॉटी निकल जाती थी, जिसमें खून निकल जाता था, अपने आप हो जाता था, इतना ज़्यादा उनकी बॉडी थक गई थी, बट स्टिल वो बंदा रुका नहीं। स्टिल उन्होंने अपने गवर्नर को पुश किया, अपने आप को पुश किया, अपने माइंड को और कैलिस बनाया, मतलब ट्रेन किया अपने माइंड को। ऐसे ही आप इतने एक्सट्रीम में नहीं, बट थोड़ा बहुत तो ज़रूर करो, अपने आप को अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश हमेशा करते रहो। और ये करने में अगेन थर्ड लेसन आपकी बहुत हेल्प करेगा, जिसे वो बोलते हैं द कुकी जार मेथड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डेविड भाई बैड वाटर्स की रेस भागना चाहते थे फंड रेस करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने एक और 100 mile की जो रेस होती है, जो कंप्लीट करना ज़रूरी होती है बैड वाटर में एंट्री लेने के लिए ही, तो वो जब रेस कर रहे थे ना अपनी 100 mile वाली रेस, तब स्टार्टिंग में तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, भागे वो आराम से, उनको लगा मैं भाग लूंगा, मैंने ऑलरेडी मिलिट्री में तो काफ़ी ट्रेनिंग करी है भागने से रिलेटेड, तो वो भागने लगे। लेकिन फिर जैसे ही 50 miles कंप्लीट हुए, मतलब आधी रेस कंप्लीट हुई, उनकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। वो बोलते हैं कि उनके पैर में ऐसा लग रहा था लेड भर गया है, उनके दोनों पैर मेटल के बन चुके हैं, जो उनसे उठ ही नहीं रहे थे, बट स्टिल वो भागते रहे। जब 70 miles कंप्लीट होने आ रही थी ना, तब उनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था, उनको लग रहा था वो शायद लिटरली मर भी जाएंगे, उनको डायरिया होना स्टार्ट हो गई थी, उनकी आंखों में ब्लाइंडनेस आने लग गई थी, उनके पैर फ्रैक्चर हो चुके थे, पैर के नाखून टूट गए थे, उसमें से खून निकलना स्टार्ट हो गया था जगह जगह से, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। लिटरली उनकी सुसु पॉटी अपने आप निकलने लग गई थी, वो एकदम गंदा फील कर रहे थे, उनमें से बास आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। ये टाइम पे तो कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो क्विट कर देता, बट ये टाइम पे भी डेविड नहीं रुके। हाँ, वो दूसरों के लिए फंड रेस कर रहे थे, हर एक चीज़ थी जो चीज़ ने उन्हें 70-80 mile तक ला भी दी थी, बट आखिरी के कुछ माइल्स करने के लिए उन्होंने अपने आप से पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वेल, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई एम द बैडेस्ट मदरफकर ऑन द प्लैनेट, और मैं ऐसी चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया है। मैंने ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ झेली है, उनको पानी से डर लगता था, स्विमिंग से रिलेटेड कई सारे डर को अपने कॉन्क्वर किया, हेल वीक्स जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है, वो सारी चीज़ों को वो याद करने लग गए, अपनी उन सारी अकम्पलिशमेंट को वो याद करने लग गए, जिसमें लिटरली लोगों की बैंड बज जाती है, बट स्टिल उन्होंने वो चीज़ की थी। नाउ जैसे ही वो इन चीज़ों को याद कर रहे थे, सडनली उनके अंदर एक एनर्जी आ रही थी कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें करी है और मैं अब आगे भी बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ। और इसी चीज़ को बोलते हैं डेविड द कुकी जार मेथड। वो बोलते हैं कि बचपन में ना कितनी भी चीज़ें उनके साथ खराब होती थी, उनकी मॉम हमेशा उनके साथ उनको एक कुकी जार में से एक बिस्किट निकाल के कभी कभी देती थी, जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में उन्हें अच्छा फील कराता था। सिमिलरली वो बोलते हैं, एक आप भी ना अपने दिमाग में एक मेंटल कुकी जार बना के रखो, जिसके अंदर अब अपनी उन सारी पास्ट अकम्पलिशमेंट, उस अच्छी फीलिंग को डाल के रखो जो आपने पहले अचीव की है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने शायद मे बी पहले कभी बहुत लंबी रेस भागी है, 1-2 घंटा जाके जिम किया है, या फिर कोई बहुत टफ एग्जाम को आपने क्रैक किया था, या कोई भी ऐसी अकम्पलिशमेंट जो आपको अच्छा फील करा सकती है अपने बारे में, वो सारी फीलिंग्स को उस कुकी जार में भर के रखो। और जब भी आपको ऐसे कठिन टाइम आता है, जब आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हो ही नहीं पाएगी, तब आप उस कुकी जार में से एक कुकी निकालो, अपनी उस याद को निकालो, उसे याद करो, रिलीव करने की कोशिश करो। ये आपको एनर्जी देगी और आपको वो वॉरियर बनाने में हेल्प करेगी जो आप बन सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैंने बहुत शॉर्ट में ये चीज़ बताने की कोशिश करी है, लेकिन हाँ, 3 चीज़ों को जरूर याद रखो। पहली तो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट करो, अकाउंटेबिलिटी मिरर से खुद भी ले सकते हो, दूसरों को भी अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने दे सकते हो, ताकि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सको। फिर 40% रूल को याद रखो, आप जितना भी आपको लगता है आपकी लिमिट है, एक्चुअल में उससे डबल ट्रिपल लिमिट आपके पास है, बस आपका वो गवर्नर आपको रोक रहा है। और थर्ड, अपने कुकी जार मेथड को हमेशा याद रखो, जब भी आपके दिल में आता है कि आपको क्विट करना है, तब अपनी कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग मेमोरी को याद करो, जिसमें आपने विन को कॉन्कर किया था, और वो फीलिंग्स की हेल्प से आप आगे बढ़ते रहो।
ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस बुक में, मैं आपको पर्सनली जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये बुक है ना, प्लीज जरूर पढ़ो। मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया, डिटेल में जब आप इनकी स्टोरी सुनोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे बंदा कितना दमदार है। ये बुक जाके आप जरूर चेकआउट करो, इस बुक की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको भी बुक्स पढ़ने का शौक है, अगर आप हमारी सीक एंड बुक कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हो तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी फ्री में बुक समरीज हर हफ्ते आपको मेरे से चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग बुक समरीज आपके लिए हर हफ्ते लेके आता रहूंगा। अभी के लिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दो, ताकि हमारे साथ साथ दूसरों में भी बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो और हमारी बुक लविंग कम्युनिटी ये बढ़े और हम सब भी आगे बढ़े। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।